गुड बिजनेस हॉल सीनियर, मैं कंचन प्रजापति। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में उठने वाले कुछ सवालों के जवाब के बारे में। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ ऐसे चार सवालों के जवाब दिए थे और कुछ सवाल हैं जो कि बाकी रह गए थे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बातों को समझाऊँगी, सवालों के जवाब दूँगी। तो आप अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल के जवाब की ओर, जिसमें कि आप जब भी किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या फिर अपना प्लान बताने जाते हैं तो एक सवाल उठकर आता है कि सर आप ठीक है हमें ये प्लान तो बता रहे हैं लेकिन आपकी कंपनी भाग गई तो। तो आपको मुस्कुराकर और बहुत ही सटीकता से जवाब देना कि हाँ आप सच बोल रहे हैं और मैं ये सोच ही रहा था कि आपने इस क्वेश्चन का सवाल मुझसे पूछा क्यों नहीं। तो आप ये बता सकते हैं कि जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था या मैंने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो मेरे मन में भी या मेरे अंदर भी ये ख्याल आया था कि सर आपकी कंपनी भाग गई तो। तभी मैंने अपने अपलाइन से भी यही क्वेश्चन किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ आती तो हैं मार्केट में पर ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं हैं और भाग जाती हैं, लेकिन इस डर से हम बिज़नेस करना तो नहीं छोड़ सकते। जैसा कि आपने सुना ही है गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, आप सुनते होंगे रोज़ रोड एक्सीडेंट में कितने लोगों की जान जाती है, लेकिन इस डर से हम रोड में चलना तो नहीं छोड़ सकते ना। यदि हम रोड में चलना ही छोड़ देंगे तो हम घर में बैठे एक कैदी की तरह बन जाएंगे। आप जानते होंगे कि हॉस्पिटल में अस्पतालों में कितने मरीजों की जान जाती है किसी न किसी रीज़न की वजह से, तो इस वजह से हम हॉस्पिटल जाना तो नहीं छोड़ सकते, हम अपना इलाज करवाना तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आपके मन में ये सवाल आए या आपके मन में ये डाउट आए कि कंपनी भाग गई तो आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करें तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो आपको उस कंपनी के 3P के बारे में जानना है, या फिर आप किसी को प्लान बता रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए 3P के बारे में। जब आप ही को नहीं पता रहेगा तो आप दूसरों को कैसे बता पाएंगे, उनको कैसे समझा पाएंगे। इसलिए जब भी आप प्लान बताने किसी को जा रहे हैं या किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपको 3P के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अब ये 3P होता क्या है, यदि आपको ये नहीं पता है कि 3P होता क्या है तो मेरी एक वीडियो है 3P के बारे में, यदि आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो 3P होता क्या है, 3P मतलब कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। तो आपको इन इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जान लेना है, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दे रही हूँ कि क्या क्या आपको जान लेना है। सबसे पहले प्रोफाइल के बारे में, तो प्रोफाइल के बारे में क्या जानना है, आपको ये चेक करना है कि कंपनी कितनी पुरानी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितनी पुरानी है। और कंपनी अगर नई है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। मान लीजिए अगर कंपनी पुरानी है तो आपको उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करना है, वहाँ के लोगों से बात करनी है, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है और इतने सालों से उसका टर्नओवर कितना गया है, टर्नओवर ऊपर की ओर जा रहा है या फिर नीचे की ओर आ रहा है, आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अब बात आती है कि कंपनी नई नई खुली है, तो कंपनी नई नई खुली है तो आपको ये देखना है कि किस मोशन पे कंपनी की शुरुआत की गई है, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है और कंपनी किस सिस्टम से वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी की ग्रोथ क्या होने वाली है, यदि कंपनी की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा आपकी भी ग्रोथ होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है प्रोफाइल में। और सबसे मेन पॉइंट ये है आपका कि प्रोफाइल में आपको उसके सर्टिफिकेट्स देखने हैं कि कंपनी के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, क्या कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मतलब कि IDSA से प्रमाणित की गई है या नहीं, उससे मान्यता प्राप्त है या नहीं कंपनी को, तो आपको ये चीज़ें देखनी है, क्या कंपनी GST पे करती है या नहीं, या फिर कंपनी उन रूलों को फॉलो कर रही है जो कि सरकार द्वारा बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रोफाइल में देखनी है। अब सेकंड क्या आता है प्लान के बारे में, अब आपको चेक करना है कि कंपनी किस सिस्टम से वर्क कर रही है, मैट्रिक सिस्टम से या चेन सिस्टम से या फिर बाइनरी सिस्टम से। यदि आपको ये सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड ज़रूर कर दूंगी। तो आपको ये जानना है कि कंपनी किस सिस्टम से वर्क कर रही है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कंपनी में सभी को 1 साल अधिकार मिल रहा है या नहीं, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप पहले आए हैं तो आप ज़्यादा
पैसा कमाएंगे, या फिर हम बाद में आए हैं तो आपसे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। नहीं, कंपनी सभी को एक सा अधिकार दे रही है या नहीं। अगर आप बाद में भी आए हैं और आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब आपको ये देखना है कंपनी में कि आप कंपनी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक सा व्यवहार करती है या एक सा लेवल इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है या नहीं। तो आपको ये देखना है कि कंपनी के प्लान के बारे में। अब आता है प्रोडक्ट की बारी। अब प्रोडक्ट आपको चेक करना है कि क्या कंपनी के प्रोडक्ट रीयूजिंग, मतलब कि जो कंपनी प्रोडक्ट यूज़ कर रही है उसके रिपीट ऑर्डर आने के चांसेस हैं या नहीं। मान लीजिए आपकी कंपनी के प्रोडक्ट हैं लैपटॉप, कूलर, पंखा, ये वगैरह, तो ये तो आप एक ही बार सेल करेंगे और आपको एक ही बार प्रॉफिट आएगा। तो आपको ये देखना है कि कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी लोगों को नीड है, जो आप रीयूजिंग कर सकें, मतलब कि बार बार जिसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं या नहीं। और यदि कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपके बार बार यूज़ में आ रहे हैं, तो आप बार बार प्रॉफिट कमा सकते हैं उसी प्रोडक्ट को सेल करके। अब आपको देखना है प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या लोगों को प्रोडक्ट से बेनिफिट हो रहा है। और सबसे मेन बात आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और प्रोडक्ट इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ISO से प्रमाणित किया गया है या नहीं, और कितने बार प्रमाणित किया गया है। आपको ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको चेक करनी है। अब आपको क्या लगता है, जो कंपनी इतने प्रॉफिट्स कमा रही है या फिर उसको इतने प्रॉफिट आ रहे हैं, तो क्या वह कंपनी भाग जाएगी? फिर भी लोगों का यह सवाल होता है, नहीं सर, अगर सचमुच कंपनी भाग गई तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि सर, किसी भी कंपनी को ओपन होने में 5 से 10 हज़ार या 5 से 10 लाख रुपए नहीं लगते, कम से कम करोड़ों लग जाते हैं। क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट रखें और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करें अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाले, इसके लिए उन्हें करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। तो क्या आप बताइए, आपका यहाँ क्या लग रहा है, 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा? तो आप बताइए कि जिसके करोड़ों लगे हैं वो पहले भागेगा, या जिसने सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये लगाए हैं वो पहले भागेगा? इस प्रश्न का आंसर आप उनको इस तरीके से दे सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या उठता है कि हम इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिज़नेस 4 प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस, सेल्समैन बिज़नेस, फ्रेंचाइजी बिज़नेस और डायरेक्ट सेल बिज़नेस। यदि आपको ये नहीं पता है कि ये 4 बिज़नेस कैसे कैसे होते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आइए हम बात करते हैं इसमें डायरेक्ट सेल बिज़नेस के बारे में, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है कि आपको पैसा कैसे आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी 2 टाइप होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। तो चलिए हम बात करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तरीके से मार्केट में हमें प्रोडक्ट किस तरीके से प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं छोटे लेवल पर, मान लीजिए एक बोतल का उदाहरण लेते हैं। तो जहाँ पर बोतल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर बोतल बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, फैक्ट्री। मतलब फैक्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितने रुपए की कॉस्ट लगी उसकी, 5 रुपए की, मान लीजिए 5 रुपए की लगी। फिर वो ट्रांसपोर्ट के जरिए कंपनी तक आने में कितना खर्चा हो गया उसका, 2 रुपए, उसमें भी 2 रुपए आपका ऐड हो गया। फिर उसके बाद कंपनी के पास आया तो कंपनी अपने टैग वगैरह लगाएगी, तो उसने कितने रुपए ऐड कर लिए, 2 रुपए मान लीजिए। और फिर उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट के सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं, जितनी कॉस्ट उस बोतल की मैन्युफैक्चरिंग की थी उतनी ही एडवर्टाइजमेंट की लगती है। जैसे कि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं वो हर एक प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में भी सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। जितनी कॉस्ट 5 रुपये उस बोतल की थी उतनी ही एडवर्टाइजमेंट में लगा। फिर आता है होलसेलर के पास, तो वो भी अपना प्रॉफिट देखेगा, तो उसने भी 2 रुपये ऐड कर लिया। फिर आता है रिटेलर के पास, उसने भी अपना प्रॉफिट देखा, उसने भी 2 रुपये ऐड कर लिया। फिर आता है होलसेलर के पास, और फिर वो भी अपने प्रॉफिट के लिए 2 रुपये ऐड कर लिए। फिर आता है कस्टमर के पास। तो आप ये पैसे जोड़िए कि 5 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग हुई, फैक्ट्री में 5 रुपए की बोतल बनी, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते कितने की हो गई, वो 20 रुपए की। तो ये हो गया इनडायरेक्ट तरीके से। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। जैसे कि वो बोतल फैक्ट्री में 5 रुपए की बनी, ट्रांसपोर्ट के जरिए कंपनी तक आने में कितना रुपये लगा, 3 रुपए मान लीजिए। फिर कंपनी भी अपना कुछ प्रॉफिट देखेगी, अपना कुछ ऐड करेगी, अपना टैग वगैरह लगाएगी, तो उसका भी उसको प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी के भी कितने रुपए ऐड हो गए, 2 रुपए। तो अब इसमें क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं लगता है। इसमें जो कस्टमर होता है ना, वही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वही अपने प्रोडक्ट का प्रचार करता है, उसी का विज्ञापन करता है, और उस
और जो 10 रुपये आप 10 रुपये में आपको बोतल मिल रही हैगी डायरेक्ट सेलिंग में और 10 रुपये बच रहे हैं, तो वही जो 10 रुपये बचते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आता है आपको, जो ऐसे ही आपको पैसिव इनकम आती है डायरेक्ट सेलिंग में। जैसे कि ये पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम दोनों का बिजनेस है। आप जब एक्टिव रहेंगे तब भी काम करेंगे और आप जब एक्टिव नहीं हैं तब भी आपको प्रॉफिट आने वाला है। और प्रॉफिट कैसे आता है, इसी तरीके से आता है। ये तो हो गया छठवां सवाल, मतलब कि इस वीडियो का दूसरा सवाल। अब हम बात करते हैं सातवें सवाल के बारे में और इस वीडियो के तीसरे सवाल के बारे में। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ आपको। तो क्या क्वेश्चन उठता है कि मैंने तो इसको पहले से करके छोड़ चुका है। जब आप किसी के पास प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो कुछ लोग होशियार होते हैं और कह देते हैं कि भाई मैं तो इसको करके छोड़ चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं रखा है और मैं इसमें मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि आपने क्यों छोड़ा, वहाँ के क्या प्रोडक्ट थे, क्या रीज़न था कि आपने छोड़ दिया, और आप कितने दिन तक, मतलब कितने महीनों तक वहाँ काम किए। तो आप ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि उनका जवाब ये आता है कि मुझे पैसे नहीं आते थे या फिर मैं इतना मेहनत करता था मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता था, तो आप उनको बता सकते हैं कि सर आपने कुछ महीनों काम किया और आपको पैसे नहीं आए और इसीलिए आपने छोड़ दिया। तब आप बताइए, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए कम से कम आपको 10,000 घंटे अपने पूरे देने होंगे। अब 10,000 घंटे आप कैसे दे सकते हैं, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में? तो आप महीने भर में कुछ नहीं कर सकते। आपको कम से कम किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए 2 साल 3 साल लगभग लग जाते हैं। तो आपको इसके लिए 10,000 घंटे देने होंगे, एफर्ट्स करने होंगे, मेहनत करनी होगी, तब जाके आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे। कि आप क्या सोचते हैं कि 2 या 4 दिन में आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2-4 दिन में किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं मिलेगी। हम इस फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी अदर फील्ड में जाके आप देख लीजिए। यदि आप महीने भर काम करेंगे तो क्या आपको प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, आपको पैसे आने चालू हो जाएंगे? हाँ, मान सकते हैं कि जॉब आप करते होंगे तो आपको कितना आएगा, सिर्फ जॉब, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आएगा बस। और जिस दिन आप बैठ जाएंगे उस दिन आपको 1 रुपये भी नहीं आएगा। तो जब किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत करना होगा और आप 2-4 दिन में उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको मेहनत करनी होगी और अपने 1-2 साल उसमें देना होगा, एफर्ट्स करना होगा, तब आप अपने आप को ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अब आपका 8वां सवाल ये उठता है और इस वीडियो का 4था सवाल ये उठता है कि ठीक है आप कितना कमाते हैं, आप हमें ये बता दीजिए। कई लोग बोलते हैं और लोग घबरा जाते हैं कि अभी तो मेरी इनकम ही नहीं आई है। जो नए नए लोग होते हैं वो ये सुन के घबरा जाते हैं, मैं इनको अपना पैकेज कहाँ से बता दूँ, मैं इनको अपनी इनकम कहाँ से बता दूँ, क्योंकि मेरी तो अभी आई नहीं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बड़ी ही सटीकता से जवाब देना है कि सर आप ही की तरह मैंने भी अभी अभी ज्वाइनिंग ली है, तो मैं तो अभी आपको अपना वाउचर नहीं दिखा सकता, मैं तो अभी आपको अपनी इनकम नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मेरी इनकम जब दिखाने लायक होगी तो मैं आपको अपनी इनकम ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ और मैं आपको ये पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैंने आपको अपना समझा और सबसे पहले आप ही के पास आया इस अवसर को देने के लिए। तो आप उनसे ये बता सकते हैं और आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं तो अपना पैकेज नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं, ग्रेट सीनियर हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है यहाँ से, मैं उनका वाउचर आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। तो आप फिर उनको ग्रेट सीनियर के साथ मीटअप भी करवा सकते हैं। ये कुछ 4 सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिए, मतलब सेकेंड पार्ट में। अब कुछ और सवाल हैं, यदि मैं आपको लगातार इसी वीडियो में बता दूंगी तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी और आप ठीक तरीके से इस वीडियो को देख भी नहीं पाएंगे, स्किप करते जाएंगे। इसलिए मैं आपको और भी सवालों के जवाब थर्ड पार्ट में, मतलब तीसरे पार्ट में आपको दूंगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।